सीट बंटवारे में भी पीछे और अब घोषणा पत्र में भी पीछे। कहीं इंडिया गठबंधन का इसमें कोई चाल तो नहीं? 3 नवंबर को अमित शाह का झारखंड दौरा हुआ और राज्य के कई जगहों में जनसभाएं की। उसी दिन अमित शाह ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी कर दी। खैर, पार्टी का घोषणा पत्र तो मजेदार है, वैसे घोषणा पत्र तो सभी पार्टियों के मजेदार ही होते हैं। इसी बीच 2 दिनों के बाद इंडिया गठबंधन ने भी घोषणा पत्र जारी कर दी। पिछली बार की तरह इस बार भी इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र देखने के बाद आपके मुंह से वाह तो जरूर निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले गठबंधन के घोषणा पत्र पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इंडिया गठबंधन ने पिछली बार की भांति इस बार भी अपने घोषणा पत्र में 1932 खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लाने की बात कही है। साथ ही सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा और सांस्कृतिक संकल्पित करने का वादा किया। बीजेपी ने भी ठीक इसी तरह वादे किए हैं। खैर, चलिए बढ़ते हैं आगे। गठबंधन ने मैया सम्मान योजना की बात की, जिसमें वे महिलाओं को मिल रहे राशि को बढ़ाकर 1,000 से 2,500 रुपये हर महीने करने का वादा किया। लो भाई, ठीक इसी तरह बीजेपी ने भी महिलाओं से वादा किया है, जिसमें वे गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2,100 रुपये देने की बात कही है। इसी जगह पर एक कहावत ठीक बैठती है, तुम शेर हो तो हम बब्बर शेर। चलिए गठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। गठबंधन ने गरीबों को मिल रहे 5 किलो राशन को बढ़ाकर 7 किलो प्रति व्यक्ति देने का वादा किया। साथ ही गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवारों को 450 रुपये में देने की बात कही। गठबंधन की 7 गारंटियों में आरक्षण को लेकर भी वादा किया गया है। ST को 28%, SC को 12 तो वहीं OBC को 27% देने का वादा किया गया है। साथ ही अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का वादा किया गया है। ठीक पिछले बार की तरह इस बार भी युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। राज्य में 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। साथ ही 15 लाख तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया है। राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना का वादा किया गया है। राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाने का वादा किया गया है। इंडिया गठबंधन में आखिर में किसानों को लेकर भी बड़े वादे किए। उन्होंने गारंटी दी है कि धान के MSP को 2,400 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये करने का काम करेंगे। साथ ही साथ लाह, तस्कर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल, बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। तो ये थे इंडिया गठबंधन के 7 गारंटियां। बीजेपी के घोषणा पत्र भी इससे मिलता जुलता है। खैर, इनके घोषणा पत्र पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए झारखंड रिवील्स।